कल एक शोरीदा खबगाहे नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। कल एक दीवाना सर इंसान मजार रसूल मकबूल पर खड़े होकर आहुजारी करते हुए फरियाद कर रहा था कि हुजूर देखिए, ये जो हिंदुस्तान और मिस्र के मुसलमान हैं, इनका किरदार इस कदर मनफी है जो मुस्लिम कौमियत की तबाही और बर्बादी का बायस बन कर रह गया है। ये जायरान हरीम मगरिब हजार रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना अशना रहे हैं। ये मगरबी तहजीब व तमद्दन पर ईमान रखने वाले लोग हमारे रहनुमा बनने की कितनी भी कोशिश करें, वो हमारे रहबर इसलिए नहीं बन सकते कि आपकी तालीमात से बेबहरा हैं। गजब हैं ये मुर्शदान खुदबीन, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। ये लोग तो अपने जाती मफाद की खातिर खुद साख्ता रहनुमा बन बैठे हैं। खुदा वंदे करीम कौम को इनके किरदार से बचाए कि ये लोग मुसलमानों को सही रास्ते से भटका कर महज अपने वक़ार को बुलंद करने में सरगर्दां हैं। यही लोग तो आज मिल्लत इस्लामिया के जवाल का सबब बने हुए हैं। सुनेगा इकबाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है, नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं। अब तो जमाना बदल गया है, तहजीब बदल गई है, और तुम हो कि अपनी शायरी के हवाले से पुरानी बातें दोहरा रहे हो। आज के दौर में आकर कौन इन बातों को सुनेगा।